हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हेरा अपना रज में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज दीपावली है। दीपावली हमारे भारत का एक बड़ा त्यौहार है, एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आज उसके बारे में हम लोग छोटा सा अपने चैनल पर एक क्लिप डाल रहे हैं, और हम हैं और हमारे सर हैं विशाल सर, ठीक है? तो वो भी आ रहे हैं साथ में, आइए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। माइक में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे चैनल को मोनेटाइज किए, और उसके बाद अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए, इधर इस चैनल को यहां तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद साथ में हमको भी लिए और आप लोग का सहयोग मिलता रहा। थोड़ा आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, हम लोग भी प्रयास करेंगे ताकि कुछ आगे किया जा सके। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सर कुछ कहना चाहें आप? हाँ हाँ, वैसे क्यों नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म का एक दीपावली, ये दीपावली त्यौहार है जो मनाया जाता है। दीपावली का मतलब होता है कि छोटे से शब्दों में कहा जाता है, दीप का मतलब दिया होता है, दीपक होता है, और आवली का मतलब पंक्ति में रखना, मतलब कि लाइन में रख के जलाना। दीपावली का मतलब है कि दीपक को पंक्तियों में रख के जलाना ही दीपावली कहलाता है, ठीक है? लेकिन दीपक ये लोग जलाएं जरूर, और अपने अपने भविष्य के लिए दीपक जलाएं, बहुत इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, ठीक है? जरूरी है अपना जो संस्कृति है उसको अपनाने की। और दीपावली जो है, जरूरी नहीं केवल एक दीपावली केवल नाम है, काफ़ी दिन दीपावली जो बना हुआ है ये एक पूरी संस्कृति को दर्शाती है। हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, जो हिंदू धर्म का त्यौहार है, वो आज से नहीं है। हम लोग क्या, हमारे जो पूर्वज थे कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें हम नहीं जानते, वो भी नहीं जानते होंगे कि दीपावली कब से स्टार्ट है, ठीक है? तो एक पूरी संस्कृति को दर्शाती है दीपावली। मतलब इस दिन आप निश्चित करिए, एक दृढ़ अपने अंदर एक ऐसा व्यवहार अपने अंदर उत्पन्न करिए कि लोग आपसे ऐसा लगे कि हाँ, आप इस समाज को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, ताकि समाज के लोग आपको समझ सकें। और समाज जरूरी है, बिल्कुल है कि नहीं सर? समाज के साथ आपको चलना ही जरूरी है। नहीं चल पाएंगे तो कोई फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए समाज ने ही आपको सब कुछ दिया है कि नहीं सर? समाज सब कुछ देता है। अभी हम लोगों से बात सर, हम अच्छा सही गलत सब कुछ सिखाता है। हम आपको बता दें सर, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय के लोग एक व्यक्ति थे, हम लोग साथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा था कि समाज हमको क्या देता है। तो अगर शायद उनके पास है हमारा वीडियो पहुँच सके सर। देखिए समाज जो है ना, आपको सब कुछ दिया है। आप इंसान हैं यानी हम इंसान हैं सर, आप ये कौन बताया? हमको समाज नहीं बताया, किसी और दूसरे ने ही बताया है। मैं अगर अध्यापक हूँ सर, अध्यापक हैं, वो भी बच्चे मानते हैं तो हम अध्यापक हैं, अगर नहीं माने तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। अगर ये मेरा चैनल चल रहा है, इससे अगर मेरी कमाई आज स्टार्ट हो गई है, तो वो भी कहाँ का है, कौन दे रहा है? वो समाज ही है जो एक हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अन्यथा हम लोगों के पास क्या था? हम दो लोग थे, कुछ कर भी नहीं पाते। जब तक हमारे साथ सर जनसंख्या नहीं जुड़ेगी, हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं है सर। इसलिए समाज तो जरूरी है सर, समाज के साथ चलना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा। समाज ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और उस समाज का पूरा आप ध्यान रखें। और ऐसा भी, हम लोग जब छोटे से थे, जब हम लोग एक दो तीन या छोटी सी क्लास में जब पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, तब से ही हम मतलब कि हम किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, अपने गुरुजनों और बड़ों लोगों से सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम जब वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, जब वहाँ से वो वापस आए थे 14 वर्ष बाद अपने अयोध्या जब वापस लौट कर आए थे, तो उनके खुशी में, मतलब कि आने की खुशी में, जो ये दीपक को जलाया गया था पूरा अयोध्या, ताकि उज्ज्वलित हो जाए, प्रकाशवान हो जाए, उसके लिए दीपावली मनाया। तो मतलब कि हम लोग की जन्मष्टमी में या कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। और जहाँ तक कि हम लोग को यही मालूम है कि जब भगवान राम वापस आए थे अयोध्या, तभी मनाया जाता, तभी से मनाना स्टार्ट हुआ ये दीपावली का त्यौहार। तो एक पूरी यही बात कर रहे हैं ना सर, कि पूरी ये संस्कृति को दर्शाती है। जी, हाँ। पूरी संस्कृति एकदम, ठीक है? तो जिससे हम पूरा सीख सकते हैं कि सब, क्योंकि रामायण हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत सर सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है सर? ये हम लोगों का जो आज हम आपको बताएं कि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, उन्होंने अपने संस्कृति को बहुत पीछे दिखाया है, जबकि आज लगातार कुछ ऐसे खोजे हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि मतलब सारी चीज़ें हमारे यहाँ थी, बस हम लोगों ने क्या किया,
कि दूसरे ने चमक धमक दिखाया, थोड़ा अपनी तरफ से मसाला मारा, हमारा ही मसाला ले जाकर के हमारे ऊपर ही मार दिए, और फिर हम लोग खुश होकर के अरे वाह वाह, नहीं नहीं उधर उधर बढ़िया, उधर बढ़िया है, और हम लोगों ने अपनी सारी संस्कृति को छोड़ दिया सर। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय अपने यहाँ जैसा, नालंदा विश्वविद्यालय एक जीता जागता और सत्य जो है कि एक उदाहरण है। अगर आप नहीं जानते तो बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आप देख। नहीं नहीं सर, थी, अभी नहीं है, अभी नहीं है, स्ट्रक्चर है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, सरकार ने उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, अब वहाँ पे काफी लोग जाते हैं। सुनने में आया था कि उसका फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। नहीं नहीं, कि बिल्कुल किया जाना चाहिए, हमारा जो संस्कृति है उसको बचाया जाना चाहिए। सोचिए कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे 10,00,000 बच्चों के पढ़ने की सुविधा थी, आज बताइए ऐसे यूनिवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और तो आज कम कितने साल, कितने वर्ष, कितने 100 साल पहले की बात है सर। और ऐसा ज्ञान दिया जाता था कि विदेश से भी लोग आके नालंदा में पढ़ते थे, काफी लोग मतलब पढ़ते ठीक थे। हाँ, वो हमारी संस्कृति की देन थी। हम अब इतना समझ लीजिए, मैं आपको सर बता दूं कि हम लोगों ने, हमारे कुछ पूर्वजों ने भी इस संस्कृति का इतना अपमान किया है, इतना अपमान किया है कि देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं अपने पूर्वजों से सीखे हुए हैं, तो उन्हीं से कि मतलब वो लोग धीरे 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 करके वेस्टर्न चीज़ों को अपनाए, जिससे बाद हम लोगों को भी अपनाना पड़ा, हमें लगा कि नहीं नहीं वही सही है, और लोग अभी मानते भी हैं सर। अगर कोई विदेश नहीं 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 क्यों नहीं ये अपनाना पड़ा, जैसे कि देखिए कि हम लोग जब जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग बड़े हैं हम लोग छोटे हैं, तो हम लोगों को स्कूल में जो शिक्षा दी गई उसी आधार पे दी गई, उसी आधार पे दी गई। हम लोगों का जो गुरुकुल मॉडल चलता था वहाँ पर क्या नहीं पढ़ाया जाता था सर, क्या नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे जब आप समझ लीजिए, अगर सर ताजमहल को ले लीजिए, आप स्ट्रक्चर दिखा दीजिए ना कहीं अरब में कहीं हो, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, ठीक है, आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भैया, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा, इस संस्कृति का इतना अपमान किए हैं कि हम अगले कुछ सालों तक इसको अगर बहुत बढ़िया से लेंगे तब जा करके मुझे मतलब हम लोगों को माफ़ करेगा, और अपना जो भी इसका योगदान होगा वो हम लोगों को देगा। बहुत अच्छा संस्कृति है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे हम विशाल सर और मैं, तो दीपावली के दिन आप लोग अच्छे से दीपक उपक जलाइए, और पटाखे उटाखे जो क्रैकर्स होते हैं थोड़ा सावधानी से जलाइएगा, पर ये जलाना तो नहीं चाहिए, इससे हमारे मतलब कि आसपास हो जो प्रदूषण होता है, आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली का वातावरण इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है, दिल्ली में जो पटाखे और क्रैकर्स वगैरह पे वहाँ नहीं बैन सारी जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है पटाखे न जलाएं। लेकिन देखिए क्या है कि पटाखे न जलाएं अच्छी बात है भाई, हमें हम सबको अपने पर्यावरण के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, सामाजिक ही चीज़ है। लेकिन ठीक, दीपावली भी है, आतिशबाजी भी होनी चाहिए, इसमें सर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें हम लोग मना भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करिए, सावधानी से जलाइए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा होनी चाहिए भाई, साल में एक बार दीपावली आती है, हम लोगों की संस्कृति है, तो इस दिन थोड़ा ज्ञान सर ऐसी ठीक है, पर उतना भी हाँ उतना भी थोड़ा अब थोड़ा बच बचा के रहिए, क्योंकि अगले पिछले साल हमारे यहाँ एक बगल में चोटिल हो गए थे, और काफी दिनों तक उनका घाव भरा नहीं था क्योंकि वो बारूद वरूद हो गया, थोड़ा बच करके रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसी पर सर एक दो लाइन कहते हैं कि मुख पर प्रसन्नता, कुशल रहे व्यवहार, आपके लिए शुभ हो दीपों का त्यौहार। तो आपके लिए जो दीपों का त्यौहार है ये बहुत अच्छा से बीते, और आप लोग पटाखे से एकदम दूर रहें, ठीक है, थोड़ा आतिशबाजी करिए लेकिन बच बचा के करिए। कुछ लोग हैं भी सर वो पटाखे के ऊपर ज्ञान देते हैं, उसके बाद आकर के गुटखे का प्रचार भी कर देते हैं, तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि आप एक तरीके से कह रहे हैं कि इस पर हम लोग किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, पर ये चीज़ आप लोग देखते होंगे टीवी में, एड में, और मोबाइल का जमाना, हाँ, तो सबके पास न्यूज है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ है, लगभग सभी जगह ऐड वगैरह आता है, ठीक है। तो सभी को हैप्पी दीपावली, और हाँ आप लोग अपना जो है देखिए, ठीक है, लोग अभी दीपावली सर मना रहे हैं, अच्छी बात है, और लोग इसको स्टेटस पे दिखा रहे हैं, देखिए स्टेटस पे ना दिखाइए, लोगों को इसके साथ मिलिए, खुशियाँ बांटिए, ठीक है, और स्टेटस देखिए, स्टेटस बनाने का प्रयास करिए, स्टेटस लगाने का प्रयास ना करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसा अपना स्टेटस क्रिएट करिए आप लोग कि लोग आपका जो स्टेटस है अब हाँ व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाए, ठीक है, आप किसी का स्टेटस, किसी के लिए उदाहरण ना बने, आप किसी के लिए सॉरी किसी के लिए आप उदाहरण बनिए, किसी का उदाहरण लेकर के सीखिए और दूसरे के लिए उदाहरण बनिए, केवल ले करके सीखते रहिए तो कितने दिन सीखते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ बनना है, कुछ करना है, यहाँ पर आए हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग आईएएस पीसीएस ही बनेंगे, सब लोग सरकारी नौकरी में ही जाएंगे, अपने क्षेत्र को डेवलप करिए, हाँ मतलब जिस क्षेत्र में जाइए उसको मतलब एकदम वहाँ का राजा फिर आओ,
मतलब और कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो मिल करके बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल से। हम लोग अपनी क्लास जो है निरंतर जारी रखेंगे, और आप लोगों से भी निवेदन है कि जो भी आपके मित्र यार दोस्त हों उनके साथ हमारे जो है चैनल हमारा जो है ये वीडियो शेयर करिए। साथ ही और जो भी एजुकेशन लेवल का वीडियो है उसे अभी आप शेयर करिए। साथ ही हम लोग जो है जीके जीएस का भी बहुत जल्दी ही हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइव स्टार्ट भी होने वाला है सर, एक दो महीने में हम लोग स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा थोड़ा इस चीज़ों का हाँ स्टार्टअप है, समस्याएं आ रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकल रहे हैं। आप सबको आप लोगों से नहीं नहीं लोगों का सहयोग रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, और सहयोग के साथ ही हम लोग आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग करिए इतिहास उतिहास रिलेटेड जो भी होगा, भूगोल और अभी जो विषय भी होगा आगे। जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग जो बोर्ड के ही पेपर को सॉल्व कराएंगे, आगे भी देखते हैं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे और भी चीज़ों का, जैसे पुलिस और अन्य भी, जैसे अंडे एग्जाम का जो अभी है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे और टीचर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो पूरा हम प्रयास करके आगे हम आपके साथ बात करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।